हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है खीर। और ये वीडियो बड़ी ही स्पेशल होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि हम झटपट से इसे बनाने वाले हैं, ना कि हमें चावलों को रात भर भिगोने की ज़रूरत है, ना हमें ज़्यादा कुछ वक्त लगने वाला है इसमें। बस 1 घंटे के अंदर अंदर हम परफेक्ट सी खीर की रेसिपी प्रिपेयर करके रेडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरह बनाने वाले हैं चावलों की खीर की रेसिपी, वो भी इंस्टेंटली। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो देखिए, यहाँ पे अब हमने ले लिया है मिल्क। 2 लीटर हमने यहाँ पे मिल्क लिया है। 2 लीटर मिल्क में हम डालेंगे 2 अंजीर। ये हमने आधा घंटा सोक किया है अंजीर को। मिल्क हाफ बॉईल हो चुका था, उसके बाद में हमने आधा घंटा जो सोक किया हुआ अंजीर था वो हमने डाल दिया है। अब जैसे अंजीर सोक कर रहा था हमने, वैसे ही चावल को भी हमने बासमती राइस को सोक करके रखा हुआ है। आधा घंटा मैंने इसे सोक किया था। अब हम मिक्सी ग्राइंडर में इसे पीस लेंगे। ये बासमती राइस है। अगर आप चाहो तो आप नॉर्मल राइस भी यूज़ कर सकते हो, जो रेगुलर बेसिस पे हम यूज़ करते हैं वो। तो देखिए, यहाँ पे हमने पीस लिए हैं हमारे चावलों को, ग्राइंड कर लिए हैं। और ये देखिए, इस तरह से बारीक जो है हमने यहाँ पे इसे पीस लिया है। अगर आप चाहे तो हल्का दरदरा भी इसे पीस सकते हैं। हमने इस तरह से बारीक पीस लिया है ताकि ये जल्दी से झटपट से रेडी हो जाए। इसके अलावा अब हम लेंगे यहाँ पे बादाम। बादाम को हमने 5 मिनट गर्म पानी किया एंड उसके अंदर हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में हमने डायरेक्टली इसे जो है स्लाइसर से स्लाइस कर लिया है इस तरह से। अब हमें बादाम को कोई ओवरनाइट सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। हर चीज़ हम इंस्टेंटली ही यूज़ करने वाले हैं, कोई भी चीज़ को हमने ओवरनाइट सोक नहीं किया था। मिल्क अच्छे से कुक हो जाए या एक बॉईल आ जाए तो अब हमें यहाँ पे डालना है शुगर। शुगर हम हाफ ऑफ द क्वांटिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें मिल्क मेड यूज़ करना है, तो इसीलिए हमने शुगर अभी थोड़ी ही डाली है। ये देखिए, हमारे अंजीर जो थे वो थोड़े से फूल गए हैं क्योंकि वो मिल्क में सोख हो गए हैं, तो ये अच्छी तरह सोख होने की निशानी है। अब जब अंजीर इसमें ब्रेक हो गए या फूटे गए तो उसके बाद में इसका कलर जो है बहुत अच्छे तरीके से चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे जो हमने राइस ग्राइंड किया हुआ था उसमें हमने डाला है थोड़ा सा पानी, एंड इसे हम कुक करने के लिए रख देंगे। मैं आपको इसे 3 से 4 बार में दिखाऊंगी कि कुक होने के बाद में किस तरह से दिखने वाला है। तो ये फर्स्ट था जब ये अंदर कच्चे राइस थे, तो ये इस तरह से कच्चे राइस में मैंने फ्लेम ऑन किया था। हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, वरना ये जो चावल है उसके गट्टे बन सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा तो ये जो पानी है राइस का ये घट होता जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना है, वरना इसमें लम्स बन सकते हैं। तो इस तरह से जो है रेडी हो चुका है हमारा राइस। ये हाफ कुक्ड राइस होता है। अगर आपने इसे दरदरा रखा होगा तो उसे कुक होने थोड़ा सा टाइम जाता है, बट ये इस तरह से हमारा आधा काम जो है, आधा वक्त भी बच जाता है एंड आधा काम भी हमारा बच जाता है। तो इस तरह से अभी मैंने ये मिल्क में हमारे राइस जो थे कुक किए हुए उससे मैंने ऐड कर लिया है। अभी हमें इसे हिलाना है, अच्छे से हमें इसे हिलाना है। इसका रीज़न ये है कि जो गरम राइस हमने इसमें डाला था ना, उसके लम्स नहीं बनने चाहिए। तो इस तरह से हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है। अब यहाँ पे हमने लिया है मिल्क मेड, नेस्ले का मिल्क मेड हमने लिया है, और हमने यहाँ पे लिया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को मैं सबसे पहले इसमें डाल दूंगी ताकि इसमें खुशबू जो है बनी रहे। इसमें बासमती राइस की भी खुशबू है एंड इलायची की भी खुशबू है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारे जो एलमंड्स, बादाम जो हमने स्लाइस करके रखे हुए थे वो। एक चीज़ हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमें कंटिन्यू स्टर करना है, वरना नीचे से जब मिल्क जो है अगर लग गया तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब ये लिए हमने मिल्क मेड और इसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो है हाफ ऑफ इट मैंने उसमें ऐड कर लिया था, थोड़ा थोड़ा करके। उसका रीज़न ये है थोड़ा थोड़ा डालने का, कि थोड़ा डालेंगे और स्टर करेंगे तो रीज़न इसका ये है कि हमें मिठास पर ध्यान देना है। तो ज़्यादा एक्सेस मीठा भी नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा फीका भी नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके, मतलब बाइफोकेट करके, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स कुछ ऐसा बाइफोकेट करके मैंने उसमें ऐड किया था।
और अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तो आप इसे स्किप करके नॉर्मली भी बना सकते हैं। मिल्क मेड हेल्प करता है कलर चेंज करने में, टेस्ट चेंज करने में, बट ठीक है अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तो आपने अंजीर जो डाला है उससे आपकी खीर का कलर वैसे भी चेंज होना है, एंड शुगर से आप काम चला सकते हैं अगर आपके पास मिल्क मेड अवेलेबल ना हो तो। ठीक है, अब अगर आप प्रोफेशनल खीर बना रहे हो तो आप इसी तरीके से बनाएं ये सारी चीज़ें डालकर। अब यहाँ पे मैंने लिया है सर्वर का रोज़ वाटर। रोज़ वाटर एक बहुत ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है। रोज़ वाटर के रहने से आपकी खीर में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो यहाँ पे हमने रोज़ वाटर ऐड किया है। अब आगे चल के हम इसमें रोज़ पेटल्स भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसका यहाँ पे जो कलर है चेंज होते पे था, एंड जब मैंने इसे रिमूव किया था पूरी तरह से डालकर तो पूरी तरह उसका कलर चेंज हो गया था, लाइक ब्राउन कलर। यहाँ हमने ऐड करना है केसर, केसर या सेफ्रॉन जैसे हम कहते हैं। तो इसे हमने हॉट मिल्क में जो है भिगोना है। ये हमने स्टार्टिंग में भिगोना था बट हमने भूल गए थे स्टार्टिंग में भिगोना, तो हमने ये बाद में 5 से 10 मिनट के लिए भिगा कर जो है इसे ऐड कर लिया था हमारे मिल्क में। तो आप ये ध्यान में रखें कि आपने स्टार्टिंग में क्या क्या भिगोना है। आपको राइस सोक करना है, केसर सोक करना है, एंड बादाम को आपने सोक कर लेना है। यहाँ देखिए हमने लिया है रोज पेटल्स, इसे भी हमने ऐड कर लिया है। अगर ये भी आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं एज आई सेड, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली बना रहे हो तो आपने इसे ऐड कर लेना है। इससे टेस्ट भी बढ़ता है एंड खुशबू भी बहुत अच्छी आती है एंड कलर भी चेंज होता है। तो यहाँ देखिए ये ऑलमोस्ट कलर चेंज हो चुका था, एंड जब सेकेंड डे पे हमने इसे देखा था तब पूरी तरह से इसका कलर ब्राउन हो चुका था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था एंड उसमें खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो ये देखिए हमने इसे बाउल में निकाल लिया है इस तरह से, एंड इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए रोज पेटल्स डाला है। तो ये रेडी हो गई है हमारी खीर। झटपट से आधे से एक घंटे के अंदर अंदर आप इसे रेडी कर सकते हो प्रोफेशनली, और अगर आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स कम है तो आप इसे स्किप करके ऑप्शनल जो है अदर ऑप्शन आपके पास जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें ना कोई लम्स है ना कुछ है, क्योंकि हमने इसे अच्छे से स्टर किया था। कंटिन्यूस स्टर करने से ना आपका दूध नीचे लगेगा, और अगर दूध आपका नीचे लग जाता है तो आपको झट से जो है आपकी पतीली को चेंज कर लेना है जिसमें भी आप कुक कर रहे हैं वो। तो देखिए रेडी है हमारी खीर पूरी तरह से प्रोफेशनल। बट इसे बनाने में ना ही हमने कोई प्रिपरेशन एडवांस में करके रखी थी और ना ही हमने कुछ ज़्यादा वक्त लगाया है। 1 घंटे के अंदर रेडी हो गई थी हमारी ये खीर। 2 लीटर की जो खीर है हमने बनाई थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।